एक जमाना था छोटे रोड हुआ करते थे। हाँ जी बैलगाड़ी और रोड, ये अभी कार जा रही है ना, पीछे बैलगाड़ी, बर्फ की गाड़ी जा रही है, टपा टपा टा हट हट। और उधर जा बॉम्बे, बॉम्बे साइड में जाओ तो टांगे वाला। हाँ करेक्ट। एक अचकरण हट गए, एक अचकरण किसको बोल रहे, बीच में मेरा ऐसे कुछ पेट वेट आ गया था बहुत ज्यादा। हाँ हाँ। तो एक बेचारा लड़का मिल गया मेरे को, काम था ही नहीं, मैं कहीं जाओ खाओ पियो एंजॉय करो मस्त। और पेट जरा देखा मेरे को, जॉनी भाई हम आपके बड़े फैन है, ऐसा मत करो, अन्न त्याग दो ना। गुड मॉर्निंग जॉनी भाई, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, फर्स्ट क्लास, कैसे है सिद्धार्थ? एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर है। हाँ भाई शाबाज गाय। अपन कहे ना ऐसा, आपको खुशमिजाज देख के मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह, एनर्जी किधर से ला रहे हो आप बताओ? एनर्जी एक बैनर्जी के पास बैटरी मिलती है, उससे एनर्जी लेते हैं। नहीं अपन मुखर्जी से शादी, उसका नाम है रसगुल्ला। मेरी शादी मुखर्जी से हुई है, लेकिन क्या बात कर रहा है। मैं बोला आपके पन में पन देता हूँ मैं थोड़ा, तभी तो फन होएगा। देखिए मैं आज के दिन का ओल्ड, मतलब ऐसा हमारा ना जेंजी का और मिलेनियल्स का वो चलता है, वो टुडे इयर्स ओल्ड मैंने लर्न कि आपका असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमला है। जॉन राव प्रकाश राव जनुमला, वाओ, यू आर लिविंग अप टू द आंध्रा तेलंगाना नामकरण का दिस थिंग, कि भाई नाम में इतना रहेगा ऐसा वो, कि कभी चेंज हुआ ये नाम? ये हमारा राव राव जो है ना स्टाइल है हमारे आंध्र प्रदेश में। जी जी, नागेश्वर राव, एंटी रामा राव, यस राव, जैसे कुमार होता है करेक्ट, ऐसे राव होता है, राव लग जाता है, तो वो पता नहीं क्या हमारे दादा लोगों के समय राव राव था, सुंदर राव, ये राव, वो राव, आनंद राव, सब ऐसा है। असली नाम मेरा एक्चुअली जॉन है। ओके, जॉन का हो गया जॉन राव। हाँ, मेरे दादाजी ने मेरा नाम रखा। जी जी जी, जॉन मेरे दादाजी, जो दादाजी के छोटे भाई थे, छोटे दादाजी वो प्रिस्ट थे। ओ वाओ। हाँ, उन्होंने मेरा नाम जॉन रखा, उन्होंने बाइबल पे लिख दिया, बाइबल के ऊपर है ना ऐसा, जॉन इसका नाम जॉन रखना कदम, क्योंकि मैं डिलीवरी के लिए गया था गाँव। मेरी माँ प्रेग्नेंट थी यहीं पे जी, जब हम लोग धारावी में रहते थे। हाँ, हाँ, धारावी, यू नो, तो वहाँ पे हम लोग रहते थे, तो मेरी माँ डिलीवरी के लिए आंध्र प्रदेश गई थी। ओ, अपने गांव में फर्स्ट बच्चा था ना। अच्छा, पहला लड़का था मैं, तो डिलीवरी के लिए गया और एक ही महीने में वापस वापस लेकर आए बम्बई में जो बैठा के। तो ये आपका फिर दुख 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 करते हुए है ना गाड़ी में। जी जी, तो ये हरकतें आने लगी तभी मुंबई में गड्ढे विड्ढे थे, तो तभी से आप ऐसा हो गए। हाँ कुछ यार बहुत गड़बड़े यार, क्या बताऊँ मैं। तो ये फिर आपका हैदराबाद की जो परवरिश है और याकूतपुरे की, वो सब किधर से आ रही? अभी मेरा हैदराबाद से दोस्त हमारा, क्या नाम है, बहुत सारे सारे कॉमेडियंस हमारे बहुत जान है, अपनी बहुत लोग हैं, बहुत लोग जाता हूँ छोड़ते गए सब, भाई भाई आगे भागे भाई, बैठते रात भर दो दो दिन टाइम निकाल के जाना पड़ता, रहते वहाँ पे सब लोग मिलने आते मेरे को। क्या बात है, वहाँ सब हलीम बिलीम खा ली गए, हलीम का हाँ, फिर नहीं तो रमजान मुबारक में जो जो लोग देख रहे हैं, जुम्मे आ गया अभी टाइम, सबको रमजान मुबारक भाई, हम लोग रोजे मुबारक बोले, रमजान अब टाइम है, टाइम है ना, टाइम है, रमजान करीम बोलते हैं ऐसा, वो अभी नया नया सीख ले रहे भाई यहाँ पर। अच्छा है, तो ये क्रॉस कल्चरल लर्निंग भी आप बॉलीवुड को एक तरीके से लाए हो, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कई मेरे को लगता है भाषा का योगदान जो है हमारी, जी जी, जिस तरीके से हम बॉलीवुड में धारावी और हैदराबादी का मिश्रण एक देखते हैं, वो आप लोगों का एक योगदान रहा उसमें, क्यों? यस यस यस। तो ये आपको याद है क्या पहली बार कहीं आपने कोई फिल्म जब डायलेक्ट बोला गया आपको कि ऐसा बहुत फनी है इसको ही कंटिन्यू करो, या ये कोई राइटर की देन थी? मैं एक्चुअली मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ जी, नकलची, हाँ जी, नकलबाज, मिमिक्री इज अ वेरी बिग टैलेंट, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बहुत जबरदस्त टैलेंट है मिमिक्री, एक अद्भुत टैलेंट है। हाँ, हाँ, जो हर एक को अच्छा लगता है, और अपनी जिंदगी में हर एक बंदा मिमिक्री करता है, किसी ने किसी की कॉपी करता है, हर बंदा मिमिक्री आर्टिस्ट है। True. लेकिन मैं स्पेशली मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ जो एक्टरों की कॉपी कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, और एक्टरों की कॉपी, और किसी की कॉपी नहीं, एक्टरों की, क्योंकि एक्टरों की कॉपी जो है ना लोग पसंद करते थे और जानते भी करते हैं, है ना, उनको जानते हैं बोलते हैं, तो हम लोग उसमें बहुत फेमस हो गए और वो हमको अच्छा लगता था, वो हम करते थे, हम देखते आए वो करते करते करते, उसके बाद हमको एक्टिंग में बड़ी तकलीफ हुई साहब। क्यों है सर? मुद्दे की बात, क्योंकि मिमिक्री आर्टिस्ट होता ना वो अच्छा एक्टर नहीं होता, क्योंकि कॉपी करने में जो है ना कॉपी करने में रहता, वो तो ओरिजिनलिटी क्या है, हाँ ओरिजिनल नहीं रहता, वो
कई बार मैं शत्रुघ्न सिन्हा की कॉपी कर रहा हूँ, उनकी कॉपी कर रहा हूँ, रियल लाइफ में मैं शत्रुघ्न सिन्हा की तरह करने लगता था, ऐसा था, अरे सुन ऐसा कर, ऐसा 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 ऐसे बात करने लगा। तो मेरे को दोस्त लोगों ने मेरे को धीरे धीरे बोले, यार तू यार शत्रुघ्न सिन्हा की तरह करता है तू, हाँ। स्टेज पे कर तो यार, तू बैठे नॉर्मल लाइफ में भी तू ऐसे करने लगता है यार। बोले हाँ यार, हम कबड्डी का करने लगा, तो उसमें मेरा कबड्डी का आइटम था, एक्टर और हिजड़े कबड्डी खेलते हैं। हाय देवानंद का, अरे तेरा तो क्या बोलता निकल रहा है, तो भाई अरे सुन रहे तेरा ना ऐसा हो गया था जनरल नॉर्मल लाइफ में ऐसा ये अरे बोले ये क्या हो रहा है, तो गड़बड़े तो उसको निकालना पड़ता था मेरे को। इंटरेस्टिंग। तो मेरे को मिमिक्री को निकालने के लिए 12-13 साल लगे। मैं 80 में पहली फिल्म की जी चेन्नई में जाके मैंने एक फिल्म की थी, उसमें भी मुझसे मिमिक्री करवाए थे, क्यों एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट लोगों ने मुझे देखा और मेरी मुझे उसी हिसाब से बुलाते थे, लड़का मिमिक्री करता है, इससे करवा मिमिक्री। तो मिमिक्री करता था मैं, तो वो उतरा तो मेरे को ऐसा कर वैसा कर, तो मैं कर लेता था, मुझे रिएक्ट करना नहीं आता था। हम जब स्टेज पे करते हैं तो ऑडियंस के साथ एक्शन रिएक्शन होता है, ऑडियंस के लाफ्टर से हमारा रिएक्शन होता है स्टेज स्टेज पे। हाँ स्टेज पे yes. तो ऐसी ट्यूनिंग होती है ऑडियंस की हमारी, और मजा आता है उसमें भी, आपको मिल रहा है ऑडियंस से कुछ कुछ। नहीं नहीं वो तो है, मगर वो सेटिंग है ना। जी 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 वो सेट हो गया हमारे अंदर, करेक्ट। अब उसको कैमरे के सामने कैसे निकाला, कैमरे के सामने अब ये एक्शन रिएक्शन को एक्टर के साथ करना पड़ता है, कैमरे के साथ करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें बहुत टाइम लगता है। और हमको हमारे डायलॉग पे याद है, अगले डायलॉग क्या बोलना हमको याद है, उनके डायलॉग पे रिएक्ट करना मुझे नहीं आता उसको। इसीलिए जो आज क्लासेस हैं जी, इंस्टीट्यूट्स हैं, एक्टिंग क्लासेस हैं, यही वो इसलिए है कि ताकि आसान पड़े, क्योंकि वहाँ कैमरे के वहाँ फिल्म में आपको चांस भी दो और आपको एक्टिंग भी सिखाओ। डायरेक्टर क्या है, इंस्टीट्यूट को ले गया डायरेक्टर का दुकान खोल के बैठा, वही बात। मगर मुझे डायरेक्टर के साथ ही सीखना पड़ता था, पहले कोई स्कूल क्लासेस नहीं थे जी, और बड़े बड़े एक्ट्रेस थे, करेक्ट, कमाल थे, दिलीप साहब ये वो मीना कुमारी जी, मधुबाला जी, गीता बाली जी, ये वहीदा जी, ये बड़े बड़े जो दिग्गज कला दिग्गज एक्ट्रेस थे, कलाकार थे, ओ समझे ना, ये लोगों के उठा थोड़ा स्कूल होगा था, मगर ये लोगों को डायरेक्टर बताते थे, वो लोग बैठते थे, वो सोचते थे, वो फिल्में देख करके, अंग्रेजी फिल्में देखते थे जी, ये जी। करते थे वो करते, तो फिर मैं तो कभी ध्यान ही नहीं गया, मैं इसी में खुश था। हाँ। अशोक कुमार कर रहे अरे बाप रे हमको लगा यही दुनिया है, मैं कुएं का मेंढक था, मैं जी इसी में लगा हुआ था। मुझे डालाडे का भाव पता चला जब मैं कैमरे के सामने आया, तो उसके बाद धीरे धीरे फिर उसके बाद आप जो कह रहे हैं वो सारी चीजें इम्प्रोवाइज तो बाद में करने लगा। पहले पहले तो फाउंडेशन तो बना ले, बिल्डिंग बाद में बनाएंगे। सही बात है। हाय भाई, तो आप तेलुगु गाइड हो, आपको तेलुगु आता है? ऑफ कोर्स। ये मंडनारండి నాగుడొచ్చు నిజమా? అవును అవును ఏ చాలా మంచిది. ఎలా వచ్చు మీకు తెలుగు? నేను పుట్టి హైదరాబాద్ లో ఉన్నా కదా. అది నిజమే. అవును, కానీ ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ అది. వాట్ ఇస్ యువర్ మదర్ టంగ్? యాక్చువల్లీ హిందీ. హిందీ? मम्मी, ना? मम्मी ग्वालियर की है, पापा हरियाणा के। तो हैदराबाद में आप रहे? हैदराबाद में रहा हूँ। इसलिए तो तेलुगु बोल ले सकते हो। तेलुगु मदर टंग ना? हाँ जी वही तो। आपको तेलुगु घर में तेलुगु बोलते, मेरी बेटी तेलुगु बोलती, बेटा भी बोलता। अरे प्राइवेट होगा तो अड़ के हिंदी अति पता नहीं वो अड़की बोलते। तो ये ट्रेन की भी आपकी स्ट्रगल स्टोरीज रही है क्यों? ट्रेन में आपको ट्रेन में घूमते थे हम लोग, नौकरी पे ट्रेन पे जाते थे हम लोग। ठीक है, कहाँ रहते थे उस वक्त? किंग सर्कल में रहता था। किंग सर्कल धाराबी से निकल के किंग सर्कल आया, किंग सर्कल से निकल के एंड टॉप हिल आया। ओ वाओ, एंड टॉप हिल के बाद जो हवा लगी हिल पे से सीधा लोखंड वाले आ गए, सीधा उधर से उड़े थे इधर गिरे। तो ये बताओ सर कि आप 7th क्लास में ड्रॉप मारे? ड्रॉप मारा। कैसे थे पढ़ाई में, क्या सीन होता था, क्यों ऐसा? पढ़ाई में क्या है कि क्या है, गरीबी थी जी मेरे डैडी की वजह से। हालांकि हम लोगों का अच्छा ही था, हिंदुस्तान लीवर में बेहतरीन फैक्ट्री में काम करने वाले अच्छी तरह रहते थे। ठीक है, मगर डैडी को शराब की आदत थी ना। ओके, तो शराब को तो हम पे ध्यान देते नहीं थे। तो हमारे बड़े बाप थे डैडी के, बड़े भाई, ठीक है, और उनसे हम पैसे लिया करते थे फीस के लिए, राशन के लिए। तो वो ऐसा होता था, फिर बाद में मैं बेजार हो गया। मैं बोले छोड़ो यार, बार बार मांगो, स्कूल ही छोड़ दो यार, यूनिफॉर्म नहीं कभी क्या नहीं। लेकिन स्कूल में बहुत प्यार मिलता था मेरे को, मैं सबकी नकलें करता, टीचरों की नकलें करता था, मेरी क्लास टीचर बहुत प्यारी,
बहुत प्यारी थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। अभी भी मैं टच में उनके वो अमेरिका अभी भी टच में हूँ। दमयंती टीचर, और मैं जब छोड़ गया तो बच्चे लोगों को भेजिए, बोलो गाँव उसको बुलाओ, जब तक पढ़ाई करेगा मैं उसको फीस भरूंगी। अरे वाह, उसकी फीस भरूंगी, उसका कपड़े भी मिल लूंगी। तो मैंने कहा मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, जाओ। हालांकि पढ़ने का नहीं था मेरे को, बच्चों को कंटाला आता ना भेजा रहा तो चाहिए रीजन चाहिए का दूर। लेकिन अभी मैं पछता रहा हूँ कि मैंने अगर पढ़ाई की होती तो मजा आता और भी। फिर कोई बात नहीं, बाद में मैंने अपनी तरफ से जो भी पढ़ाई करनी है अपने काम की चीजें, लेकिन मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। मेरे बच्चे दोनों भी मास्टर्स करके आए लंदन से, दोनों बढ़िया। आपका घर के रील स्थान हो चुका है, सब लोग एक साथ रील बनाना चालू कर चुके हो। सडनली मैं देखता हूँ आप होते हो, फिर सडनली जेमी भी होता है, जेमी भी होती है और जेसी भी होता है। एंड आई एम जस्ट लाइक ये क्या चल रहा है भाई, ये लोग तो भाई कोलैबोरेट इनसाइड द हाउस। नहीं नहीं लगे वैसे बेचारे, ये कहाँ से चालू हुआ है, हु ब्रॉट दिस रील मेकिंग इन द हाउस? दे ओनली दे हां क्या करते हो, मेरे तो ये बिछड़ी दी वाले मेरे को बोलते जा रही आ जाओ ना कुछ करो, आपको ये करना है। अच्छा चलो मैं भी नाएगा हूं, गोरेगा हूं, मलेगा हूं, तलेगा हूं करके निकल जाऊं। ये आपको समझ में आता है इंस्टाग्राम वगैरह कि आप ऐसे उन लोग जो बोलते कर देते खाली? नहीं मेरे लिए 500 ग्राम है, समझ में नहीं आता मेरे को। तो ये बात बताओ, ये जो पॉपकॉर्न आपकी पिक्चर आई है, ये पॉपकॉर्न ये चल क्या रहा है, क्यों हमको ऐसे कंफ्यूज आ रहे हैं आप लोग क्यों? मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। बाप ढूंढ रहा भाई, बस उतना ही। अपने बाप को ढूंढ रहा हो, हमारे हीरो कुणाल जी वही तो बाप को ढूंढ रहा है। साहिल उसका नाम है इस पिक्चर वेब सीरीज में जी, और फनी है, बाप को ढूंढ रहा है, बाप का पता नहीं, उसे अचानक मालूम पड़ता है कि जो बाप उसको पाला है जैसे मैं उसको पाला हूँ, उसको पाल के बड़ा के सब कुछ किया, और पता चलता है कि मैं उसका बाप नहीं हूँ। उसको पता चलता है, मुझे तो पता मैं बाप नहीं उसका, मैंने उसको पाला हूँ, बाप है कौन? ये तो कंफ्यूज आ गया। वो है उधर जाता है, पता वो भी नहीं निकलता। अरे यार इतना कंफ्यूजन है, एंड तक का ऐसा सरप्राइज रखा हुआ है। वेरी गुड। हाँ जिन्होंने नहीं देखा उसको सस्पेंस नहीं मालूम होना चाहिए। यस। और देखे तो बड़ा मजा आएगा, अभी बताओ। ये आपकी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन या कहाँ कहाँ घूमे और कौन सा आपको सबसे पसंदीदा जगह लगता है? फिल्मों की वजह से तो मैं ऐसे ही घूमता रहा फोकट में। वो मजेदार जिंदगी होती है, आउटडोर की जिंदगी। लेकिन जब आपने पैसे पैसे खर्च करके जब जाते हो कहीं ना जी जी जी, तो आपको जहाँ पसंदीदा जगह ना, जो आपको जो कंट्री आपको पसंद वहाँ जाओगे जी जी जी। तो देखिए तो मैं मेरा फेवरेट जगह है, तो मेरे फेवरेट सिटी कंट्री इंग्लैंड, ओके लंदन जी, ओके उसके बाद में यूएस, ओके फिर सिंगापुर, टिंगापुर समझने वाली बात। तो ये तो मैं अपनी बीवी, मेरी बीवी बोलती है क्या हमको कभी घुमाते नहीं हो कुछ ना हो, बड़े जिस दिन टाइम अच्छा आएगा मैं तो घुमाऊंगा, हम लोग इन्जॉय करेंगे, हमको टाइम देते रहो, बहुत टाइम दूंगा डरो मत, बहुत टाइम दूंगा। अच्छा क्या टाइम अच्छा, टाइम अच्छा, ये टाइम अच्छा नहीं है, नहीं अच्छा है, और अच्छा टाइम चाहिए, और अच्छा टाइम क्या कर रहा है। हाँ जी, इतना मिला आपको, कभी सोच कभी सोचा आपने? क्योंकि एक अच्छा टाइम आएगा देखना। बाद में डाउनफॉल आया टपांग 2000 के बाद, क्यों? हाँ जी हाँ जी, कोई पिक्चर नहीं कुछ नहीं, टपा टप टप एक साथ ढुलुम करके नीचे आ गए, बाप रे बाप, कोई फिल्म नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं सरा। तब आप लेके गए उनको? तभी गया वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड टूर कहाँ जाना है, सिंगापुर चलो, इंग्लैंड चलो, यूएस चलो, इधर उधर उधर इधर सब लेके गया, घुमाया पूरा मस्त, ठाड़ ठाड़ ठाड़। बोले क्या है, मैं तेरे को बोला ना जिस दिन अच्छा टाइम आएगा, बोले अभी तो पिक्चर नहीं कुछ नहीं, बोले ये तो अच्छा टाइम है। क्या बात है, गाड़ियों के शौकीन हो आप? बिल्कुल नहीं, नहीं मेरे बच्चे बोलते ये लो तो मैं ले लेता हूँ, मेरे को सब गाड़ी एक जैसी लगती है, चार टायर है ना बेटा, चले चलते रहो। और एसयूवी या सेडान में कोई ऐसा फिर प्रेफरेंस नहीं आपका? क्योंकि ड्राइविंग आती नहीं मेरे को यार, नहीं आती मेरे को, गाड़ियों का कोई शौक नहीं, कोई शौक नहीं, ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए, अब है अपने पास गाड़ियाँ हैं। हाँ जी। बच्चे बोलते गाड़ी ले लो वो ले लो, तो ले लेते बस। हाँ मैं अपने को बोले कोई नहीं, और तो ड्राइविंग नहीं आती ना, ड्राइवर ड्राइविंग आती तो ये गाड़ी वो गाड़ी, मेरे को नाम भी याद नहीं कुछ गाड़ियों के यार। हाँ क्या? हाँ फॉर्चुनर को याद करने में टाइम लगा मेरे को। लेकिन मुंबई का ट्रैफिक हो गया है बहुत आपको, वो तो अपना मतलब ट्रैफिक में क्या करते हैं आप? मैं
ट्रैफिक में, ट्रैफिक में मुंबई को एंजॉय करता हूँ। सही क्या बोल रहे? मुंबई जान है मेरी जी, अपनी जिंदगी है। मुंबई ने सब कुछ, मुंबई ने सिखाया। भाई क्या बस क्या, देखो मुंबई को हम बचपन से देख रहे हैं जी, कैसे मुंबई बढ़ा। हाँ, वो बचपन की मुंबई जो थी जी और आज की मुंबई में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं फॉरेन कंट्री जाता था, एयरपोर्ट देखता था, वहाँ के एयरपोर्ट देख के मुझे ऐसा लगता था, हमारा एयरपोर्ट ऐसा कब बनेगा यार। हाँ। हम लोगों के एयरपोर्ट ऐसा क्यों नहीं है यार, और आज हमारे खूबसूरत एयरपोर्ट हैं। क्या अपना ये सबसे बड़ा आर्ट गैलरी है ट्रांजिट, पता है आपको? मेरे को तो इतना मजा आता है जिसके अंदर। जी 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 जी, आई एम सो हैप्पी। फिर रोड अच्छे अच्छे बने, फ्लाई ओवर बन रहे हैं। हाँ। तो अभी तो और कुछ, ये तो कुछ भी नहीं है यार, अभी तो बनते जाएंगे, अभी काया पलट हो जाएगा पूरा बॉम्बे। होना ही है, होना ही है, उसमें क्या है, मजेदार। कोई शक नहीं। यस, अभी हम जा रहे हैं लोअर परेल की तरफ, पर धारावी की कोई कहानी हो तो आप बताओ। धारावी में बचपन गया। किधर, कौन सा एरिया? बिस्मिल्ला होटल, एक फेमस होटल धारावी में, जो भी रहा उसको मालूम है, बिस्मिल्ला होटल। हाँ, क्या वो एक ही हम लोग के लिए शान, मतलब हमारे ताजमहल होटल हमारे लिए। उधर बैठ के बिरयानी खाओ, ने फलाना खाओ, दुनिया भर का चाय पियो, रात भर वहाँ भीड़ लगी रहती थी। अच्छा, कच्चा रास्ता था, 90 फीट रोड जो है ना, कच्चा। जी हाँ जी हाँ जी, दारू की भट्टियाँ लगती थी जमाने में, और हमारे यहाँ से दारू है ना पूरे मुंबई में पास होता था, बट धारावी लगता था, लाइन से भट्टियाँ लगती थी। रात को डॉज कार निकलती थी। हाँ। बोले रोड पे सोने वाले भाई, चल इधर। अरे रात को निकलती है जो डोबड़ा के चली जाएगी। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, फिर जी पुलिस पीछे पड़ती थी पकड़ने के लिए। ये आपने रियल में देखा है मुंबई का वो टाइम? रियल में देखा हुआ ये सब, क्रेजी। एक जमाना था छोटे रोड हुआ करते थे। हाँ जी। बैलगाड़ी और रोड, ये अभी अभी गाड़ी जा रही है ना, हाँ, पीछे बैलगाड़ी, बर्फ की गाड़ी जा रही है, टपा टपा टा हट हट। और उधर जा बॉम्बे, बॉम्बे साइड में जाओ तो टांगे वाला। हाँ, करेक्ट। एक अचकरण हट गए, एक अचकरण उसको बोल रहे हैं। क्लियर डिवाइड है ना अपने पास इधर। अरे हैदराबाद में टांगे वाले थे, देखे? हाँ, नहीं मैंने कभी नहीं देखे। बाप रे, नामपली से अफजलगंज चलो भाई, आओ बैठो भाई, छोड़ता हूँ, खपा चल भाई, टका टका चल। अपन मिनी टैक्सी वाले लोग आए, वो फिजल वंडा बावा नगर चंदन गुट्टा, वो जमाना देखे भाई आप लोग, कड़क है भाई ये तो। भाई साहब, मैंने ये सुना कहीं, आपने भी एक इंटरव्यू में भी बोला, कई हीरोज आपसे इनसिक्योर हो गए थे और एडिट करवा देते थे आपके पार्ट्स। हाँ, एक आध हो जाता है कभी कभी, ठीक है। उन लोगों को बेचारे, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है यार, बोले सब ये उठा के ले जाएगा, असल हमारा कुछ भी नहीं है, तो उनको कैसे पता चला? अच्छे अच्छे लोग करते हैं। हाँ जी, ना मेरे साथ नहीं, हमारे सीनियरों के साथ हुआ है। हाँ। उसमें क्या है, चलता है, कोई ऐसी बात नहीं, हम अपना काम करो, निकल जाओ यार जी, तो क्या करें, क्या जितना रखना रखो, आपको बाल मिल गया ना, खत्म, निकल जाओ, क्या है। हाँ। तकदीर कोई चिंता क्या भाई, नहीं हो सकता ऐसा, बस क्या जो है सो है। फिर ये आपको OTT पे लंबा आर्क करके, जैसे हॉटस्टार पे जो पॉपकॉर्न है अपनी, इसमें कुछ अलग फर्क दिखा गया आपको परफॉर्मेंस में, क्योंकि कैरेक्टर का एक एक करके आप लेयर पील कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है आपको, कुछ अलग 70 mm से परफॉर्मेंस वाइज? मेरे को अच्छा लगा इसमें, मेरे को एक अलग तरीके से पेश किया उन्होंने जी, भरत भाई ने एक कैरेक्टर रोल प्ले किया मैंने जी जी। कॉमेडी तो है, लेकिन एक बाप बना हूं मैं। हाँ। बाप हूँ, वो बाप की फीलिंग भी है जी, थोड़ा कॉमेडी भी है, कैरेक्टर भी है, वायर है ना, तो एक अलग लगा मेरे को। और ना वो मेरा काम मुझे अच्छा लगा इसमें, और आगे चल के और भी तरीके से यही ऐसे करना चाहिए। हाँ। एक कैरेक्टर हो ना, कैरेक्टर साथ साथ कॉमेडी भी होती रहेगी, है ना। ये जो कॉमिक टाइमिंग की इतनी बात होती है, क्या होता है भाई? कॉमिक टाइमिंग देखो, कुदरती आपके अंदर कॉमिक, ये क्या बोलते हैं, ये जो टाइमिंग कुदरत ने दिया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद में डायरेक्टर्स होते हैं। हाँ जी हाँ जी, जो आपके अंदर झांक करके देखते हैं। हाँ। और आपके अंदर से क्या और निकाला जा सकता है। हाँ। तो ये ऐसे टैलेंटेड डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे एन चंद्रा जी जी ने मुझसे निकलवाया, अब्बास मुस्तान साहब ने मुझसे निकलवाया, एंड तक का मालूम नहीं था इसको कैरेक्टर क्या देना है बाजीगर में। हाँ, हाँ। क्या करें यार, ऐसा करें, भुलक्कड़ दें, ये करें, ये वो करें, क्या क्या जानवे, आप क्या 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 लगता है आपको, भुलक्कड़ करेंगे कि ऐसा करेंगे, वो करें, वो वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, ऐसा वाला करेंगे, मतलब भुलक्कड़ ट्राई करते हैं। हाँ। ऐसा करते करते हम लोगों ने किया, तो डायरेक्टर लोग थे ना जी, उन्होंने निकलवाया। हाँ, हाँ। तो करते 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 फिर हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है जी 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 जी,
तो भी एक्सपीरियंस के साथ आपको लगता है नहीं मुझे अब ऐसा करना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, अब ये उसी से हम सीखते हैं, उसी से कोई नई नई बात निकल आती। तो आप ऑब्जर्वेशनल हो, कई सारी जगह से उठा लेते हो। ऑब्जर्वेशन के बगैर कुछ नहीं होता सर। कॉमेडियन हर एक्टर को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। ऑफ कोर्स पढ़ता है, वो किताबें पढ़ता है, वराला करता है, ये करता है, वो करता है ना, अंग्रेजी फिल्में देखता है, ऑस्कर की फिल्में देखता है वगैरह ना। और हम लोगों क्या है कि हमको देखना पड़ता है ये सब क्या चल रहा है क्या नहीं। किसी घर पे हम जाते हैं तो मिले विले सब ठीक है, उसके बाद वो उसकी हरकतें कैसे वो कर रहा है, मैनेज कैसे कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, मेहमानों के साथ कैसे कर रहा है, ये क्या सोच रहा है। हम लोगों को उसकी रूह को पकड़ना पड़ता है, आत्मा को स्टडी करना पड़ता है। रूह कब्जा बोलते ना, रूह कब्जा करते समझे कि नहीं। जी, तो वो करना पड़ता है। वो क्या है, कभी 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 क्या आपके सक्सेस में आप ये भूल जाते हैं, जब आपका पैसा गाड़ी बंगला नहीं होता ना तो आप फिर वो लगे रहते हैं यार यहाँ कुछ मिले यहाँ कुछ मिले, जब मिलने के बाद में ये भूत बंद हो जाता है ऑब्जर्वेशन। ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ, ये बहुत सटीक बात बोली आपने, हमारे आर्टिस्ट साथ में यही हुआ है। वो पैसा अपनी जगह रखो, तेरी ऐसी की तैसे हट, गाड़ी बंगला साला भरेगा तो लेके जाएगा साला, हट उसको बाजू में रखो, एक ऑब्जर्वेशन को चालू रखो जी। तो क्या होगा, हम एंजॉय करेंगे लाइफ को, काम भी होगा, जब चाहने वाले मिलते हैं कितना प्यार करते हैं। हाँ जी, थैंक यू ऑडियंस। बीच में मैं 12 साल दिखाया, हाँ बीच में निकल नहीं दिखाया, आप कहाँ हैं, हम आपके लिए फिल्म देख सकते हैं, आप कहाँ हैं, आप करिए ना प्लीज, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहा है, सब बोलने लगा, अरे बाबा करूँगा जरूर, अभी टाइम है, थोड़ा आराम कर रहा हूँ, नहीं मैं कर रहा जरूर, हमको आपने छोड़ दिया है। लेटर वेटर आते थे आपके पास? बहुत लेटर आते थे, हाँ जी बहुत लेटर आते थे, फोन आते थे, और रास्ते में कहीं मिल लेते पकड़ लेते बेचारे। बीच में मेरा ऐसे कुछ पेट वेट आ गया था बहुत ज़्यादा, तो एक बेचारा लड़का मिल गया मेरे को, काम था ही नहीं, मैं कहीं जाओ खाओ पियो एंजॉय करो मस्त, और पेट जरा देखा मेरे को, जॉनी भाई हम आपके बड़े फैन हैं, ऐसा मत करो, अन्न त्याग दो ना क्या हिंदी बोला अन्न त्याग, हमारे लिए थोड़ा अन्न त्याग नहीं कर सकते ये क्या है जरा क्या व्यू देखो आज तो, बारिश होने के बाद जो क्लियर हो जाती है स्काई, आए आए मजा आ गया, गजब का जो दिख रहा है व्यू, मजा आ गया ना, अनबिलीवेबल है, अनबीटेबल है ये मेरे लिए स्काईलाइन। तो मुंबई का खाने की बात हो गई, स्लैंग कौन से आपके फेवरेट वर्ड होंगे, पसंदीदा ऐसे बोल रहे ले कर रहे ले टाइप? वही लैंग्वेज है मेरा मेरी लैंग्वेज है ना वही है, मैं भी मोहल्ले में जाऊंगा ना तो मेरे से कोई आइए जाइएगा क्या हुआ है, अरे इसको हटाना भाई, छोड़ना पका था भाई, अरे भाई चढ़ा रहा, और भाई क्या चल रहा है, छुट्टी उट्टी क्या चल रही, चल रही ना बाहर का बार गए था, अपने क्या मद्रासी लोग हैं धारावी टाइप के जी, तो तमिल जो है ना, हाउ दे स्पीक या टपोरी लैंग्वेज ये किसको मालूम नहीं है, हमारी धारावी की लैंग्वेज ही अलग है। सही बोले आप, हाँ क्या बोल रहे, तेरे पिक्चर देख रहे भाई, वो पिक्चर है, अरे मजा आ गया ना भाई देख गया भाई, वो आ रहे थे भाई, वो आ रहे थे तू देख रहे हो, चले ग्यारह बोल के देख रहे हो, कन्नी काट कर निकल गया मेरे को देख के भाई, वाह वो सब मिक्स होता है भाई, कभी मेरे को मिलेंगे कल दे डालूंगा मैं उसको, हां क्या रे वो ऐसे नाटक कर ले मेरे को, दारू पी के दद्दी करे जबरदस्ती कर रहा है, हैं पागल हो गए क्या वो, हां तू अरले कर ले, तमिल तमिल तेलुगु सब आता है भाई उसमें, एकदम करेक्ट किया आपका, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हुआ, आप ऐसा ऐसे वाले पे आ गए थे थोड़ा सा, नहीं हम लोग हम मोहल्ला ही ऐसा था ना जी जी, फेयर है, अंडरस्टैंडेबली सो, एरिया ऐसे था, स्कूल में जाते थे बाप रे बाप, हम रोज एक मर्डर देखते थे, क्या रोज एक मर्डर पड़ा हुआ है, कुछ कटा हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा मर्डर पड़ा हुआ, फास्ट टैग का मर्डर हो गया इधर नहीं है लगते चल रहा फास्ट टैग, तो हमको थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा, हम लोगों को देख कैसा डाल दिया फटक, हाँ फिर नहीं तो ऐसे ही करना पड़ता, अभी क्या करेंगे, हाओ हाओ अरे कहाँ जा रहे भाई तुम, उस तरफ जाना, हाँ कैश वाले लेन पे, कैश वाले लेन में जाना अच्छा। पड़ेगा,
पीछे जाने नहीं देगा कोई वैसे। जाऊँ? हाँ सर। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सलाम वालेकुम। बिल्कुल बोले भाई, सबको थैंक यू। अरे कहीं आगे गुजरे तुम? वो इधर ही घुसने दिया ना भाई अपने को, तो इधर घुस जाओ फिर। कैशिश है ना? हाँ फिर। सही 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 सही। यहाँ टैग भी है, कैश भी है। कैश भी है, दोनों है इधर। बिना फास्टैग के नक्को चलो, नहीं तो ऐसे डबल देना पड़ता हमारे घर का भाई। ऐसे काम अरे को पैसा दिखा दिए तो ना, वो रेडी रखते, छुट्टा रेडी रखते, रहो दिखा देंगे उन लोग को। मैं दे रहा हूँ। नहीं नहीं हम देंगे ना, क्या है हो फिर। नहीं तो तुम दिया, मैं दिया, एक ही से क्या है। आपने सब थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्री में सब काम किया है ना, कोई कोई ऐसी फेवरेट इंडस्ट्री की बात बताता हूँ मैं जी। ये हैदराबादी लैंग्वेज जो है ना, हाँ हैदराबादी लैंग्वेज कहाँ से है? देखो आप कहीं भी जाओ ना, उर्दू कैसे बोलते हो जी? हैदराबादी लैंग्वेज डिफरेंट है। आप बेंगलोर मद्रास जाओ अलग है, आप गुलबर्गा जाओ तो अलग है। करेक्ट करेक्ट। तो वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है ना, हाँ उस हिसाब से वो उर्दू बोलते हैं। सही बोले आप। जैसे तेलंगाना तेलुगु है, हाँ ये तो ना क्या यहाँ कहाँ जा रहा, हाँ सिमिलर है, ऐसे ही होता। हाँ फिर आपको तेलंगाना लैंग्वेज नहीं आती तो आप हैदराबादी नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, फिर आप वो आर्टिफिशियल नकली लगेगा। रॉयलसीमा जाओ तेलुगु एकदम अलग रहता। अरे यार अतना रॉयल भाई, अरे उन्होंने आता बोल के नया भाई। हाँ से ये किसी को मालूम नहीं ये चीज। अब जैसे हमारा कन्नड़ का है, क्या बात है कितने जा रहे तुम? अरे क्या तुम्हें हाथ मिल गए, झप लोग बैठे हुए तुम्हें आई चीज भाई साहब है तुम्हें छटाला। अरे छटाला भाई तुम क्या बोले तो क्या करे तो क्या कर तो क्या हुआ बोलो बंगलोर में हमने उधर बैठे थे खाला को हमारा खाला जानना और देखो देखे बीच नहीं भैया को जूसा किसी पीले को बात करते हमारे। इंटरेस्टिंग गीत कन्नड़ है जी 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 अन्नड़े बे नाले बोले ओग दल्ला और हैदराबाद हल्ले और आ जाओ आ तल्ला आज मैं मातड़ ले दल्ला क्या कहते बोलते थे उन्होंने। इंटरेस्टिंग बोले आज नीचे ऐसे तो तमिल का भी उर्दू अलग है अलग एकदम। अरे 15 रुपए का सब पकड़ भैंस को डाल रहे हैं फास्ट है बहुत इधर मजे ले रहे 15 रुपए का सप्पा कट्टा भैंस को डाल रहे हैं। इकबाले सुकून में चलते भाई उधर। ये है अभी हम तकदीर से क्या है, हम साउथ के हैं तो हमको ये सब चीजें समझ में आए और शोज करने जाते थे इधर उधर तो और वो लेटर होता गया। तो हम लोग गली गली जाके गांव गांव में जाके ना तो ये लैंग्वेज जो है ना, हाँ जी वो चीजें मिल गया बेस्ट है। जैसे कुछ चीजें जो आप जैसे मेरा फेवरेट एब्सोल्यूट फेवरेट आई थिंक बादशाह का रहेगा आपका और ले 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 कितनी सारी चीजें इसमें एडलिब होती थी, कितनी स्क्रिप्ट में होती थी ये सब इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रोवाइज करते थे। ओके बदबुस्तान भाई बहुत मेरे को बोलते भाई आप करो तो हम लोग करते रहते लेकिन लिखा भी जाता जैसे कि फरद भाई पॉपकॉर्न जो जो बनाएंगे वो अच्छा राइटर है इन्होंने लिख दे तो हमको लगता ही नहीं किसी कुछ और डाले। ओके बहुत अच्छा। हाँ बाकी जगह पे तो हम लोग को बहुत करना पड़ता है क्योंकि वो ऐसे लिख देते हैं। हाँ। और बोलते भी जाने आपने लिख दिया भी आप देख लो। फिर गोलमाल के बाद जो रीइन्वेंट हुआ आपका तो रोहित शेट्टी एंड गैंग के बारे में क्या बोलोगे आप? वो भी मतलब वो एक आपका सर्कल बढ़िया है। बढ़िया यही फरद है जी पॉपकॉर्न वाले जो फरद है। हाँ सेम 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 टीम सेम टीम। अरे वाह मजा आता था। और रोहित शेट्टी भी हम लोगों को चांस देते थे भाई। हाँ भाई और एक लेते हैं कुछ और करना करो आपको दिमाग में आते करो। हाँ अगर थक गए तो फिर लंच की बात करते हैं और सोच लो बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वाह यार तो इन्होंने करवा के लिया और जो है रिजल्ट भी सामने। जी 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 कैसा लगा वैसे आपको बॉम्बे जर्नी करके हमारे साथ? बहुत बढ़िया मेरी जान मजा आया। सिद्धार्थ सिद्धार्थ का सीधा अर्थ ये है जी 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 मजा आ गया मेरा दम कर दिया भाई तुम। हाँ भाई ऐसे करते अपन बैगन के बात कर लेते हैं अच्छे रह लेते। शेर सुनो भाई। हाँ सुनाइए। हत्या शेरा मेरे को डरते ही हो हत्या
हत्या शेरा मेरे को डरते ही क्या बात, मैं कुत्ते से डरता हूँ, कौन क्या करता देखता हूँ। वाह 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 वाह, यशराज मुखाड्या अगर ये एपिसोड देख रहे हैं तो इस डायलॉग पे गाना बना दें। मजा आया आपको बात करके? अरे मजा आ गया, हो गया ना अपना, अपना हो गया। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम।